नमस्कार। आशा की रसोई में आज हम तिल का लड्डू बनाने जा रही हूँ। तीन प्रकार का तिल है, गुड़ है, इसका लड्डू बनाऊंगी क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में इसको बहुत चाव से सब खाते हैं, दान भी करते हैं। अब आज गणेश चौथ का व्रत है तो इसलिए और भी ज़्यादा स्पेशल है ये। इसका लड्डू मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मैं इसको डाल रही हूँ, तिल को। इसको धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनना है। ब्राउन होने तक भूनना है। जब इसमें थोड़ा थोड़ा आवाज आने लग जाए तब इसको बंद करूंगी। अच्छी तरह भून कर तैयार हो गया है। अब इसको मैं उतारने वाली हूँ क्योंकि एकदम ब्राउन हो गया है। एकदम ब्राउन हो गया है, बहुत अच्छी कलर और बहुत अच्छा खुशबू भी आने लगा है इसमें। अब इसको मैं गुड़, पहले से मैंने गुड़ तैयार कर लिया है, इसको कूट के बारीक कर लिया है। अब इसमें तिल मिला के इसका लड्डू बनाऊंगी। इसका लड्डू बनाऊंगी, इसको मिला लेती हूँ पहले। इसको इसी प्रकार से बनाते हैं, छोटा बड़ा आप जैसे चाहें वैसे भी बना सकते हैं। इसी तरह से लड्डू बनेगा। सफेद तिल का लड्डू हमने बना लिया है, अब भूरा तिल का लड्डू बनाने जा रही हूँ। इसको भून रही हूँ धीमे आंच पे, आराम से धीरे धीरे चलाते रहना है इसको, ताकि ये अच्छी तरह तिल जो है भून जाए। इसको भी ब्राउन होने तक भूनना है। जब इसमें थोड़ा थोड़ा आवाज आने लगे तब इसको बंद करना है। आवाज देखो आने लग गई है इसमें, और इसमें खुशबू भी आने लग गया है। अब इसमें आवाज आ रही है अच्छी तरह से। अब हमारा तिल एकदम तैयार हो गया है लड्डू बनाने के लिए। अब बस मैं इसको उतारने जा रही हूँ। मैं भूरा तिल का लड्डू बनाने जा रही हूँ। तिल हमारा एकदम तैयार हो गया है। इधर गुड़ भी मैं बारीक कूट ली हूँ गुड़ को। अब इसमें मिक्स करके मैं बनाऊंगी लड्डू इसी तरह से। इसमें तिल मिला दिया है। इसी तरह से आप जैसा आकार चाहो, छोटा बड़ा आप बना सकते हो। जैसा आपको शेप पसंद हो उसी तरह से आप बना सकते हो इसको। इसी तरह से हमने सब लड्डू बना लिए हैं। सारे लड्डू इसी तरह से बनेंगे। हमने भूरा और सफेद तिल का लड्डू बना लिया है। अब काला तिल का लड्डू बनाने जा रही हूँ। इसको भी उसी तरह से भूनना है जैसे हमने उस दोनों को भूना है, क्योंकि काला तिल का भी बहुत महत्व है। इसको मकर संक्रांति के दिन, सकर चौथ पर और दान करने में बहुत काम आता है। ये खाने में भी बहुत सेहत और बहुत ताकतवर होता है। इसको भी उसी तरह से भूनेंगे, सेम आवाज आने या चट चट का आवाज आने आएगा। फिर इसको उतारेंगे, फिर इसका लड्डू बनाएंगे। तो इसमें देखो आवाज आने लग गई है, कड़कड़ाहट की। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है तिल। अब इसको मैं उतारूंगी और लड्डू बनाऊंगी। आप भी इसी तरह से बनाना है। बिल्कुल इसमें खुशबू भी खूब अच्छी आने लग गई है और आवाज
भी आने लग गया है भुने हुए का। अब मैं इसी तरह काला तिल का भी लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये इसको गुड़ को आप चाहे पिघला भी सकते हैं कढ़ाई में, लेकिन हमने पिघलाया नहीं है क्योंकि हमारे यूपी में इसको सिलबट्टे पे बारीक करके इसका लड्डू बनाते हैं देसी स्टाइल में। इसी तरह सब लड्डू बनेंगे, छोटा बड़ा आकार जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। फिर इसको मैं तिल में लपेटूंगी ताकि ये और खूब सुंदर दिखाई दे। ऐसे आप लड्डू बनाना। हमारे लड्डू तीन तरह के बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसको आप लोहड़ी पर, मकर संक्रांति पर और गणेश चौथ पर, आज गणेश चौथ का त्यौहार है, आप इसको बनाकर खाइए। और हमारे मतलब बनाए द्वारा लड्डू आपको पसंद आए हों तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।